और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम क्योंकि आज मेकअप के हवाले से बात कर रहे थे और क्योंकि अब आगे ईद भी आने वाली है, लोग ईद की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। हम मेकअप खरीदते हैं और हमें मेकअप खरीदते हुए आइडिया नहीं होता कि हम क्या चीज़ें खरीद रहे हैं। एक और चीज़ जब मेकअप के पीछे, आप चाहे आपके पास आई शेडो हो, आपके पास बेस कुछ भी चीज़ हो, पीछे एक डिबिया बनी होती है, उस पर कभी लिखा होता है 6M और कभी लिखा होता है 12M, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। एक का मतलब होता है कि बस एक बार खुल गया तो 6 महीने इस्तेमाल करना है, और दूसरे का मतलब होता है कि 12 महीने के अंदर अंदर आपने उसको इस्तेमाल करना है, बट हम ये देखते नहीं है। गलत मेकअप से स्किन को कितना नुकसान पहुंचता है? गलत मेकअप हो या सही मेकअप हो, एप्लीकेशन और स्किन केयर रूटीन ना होने से स्किन को बहुत तरीके से नुकसान पहुंच सकता है। मेकअप एक्सपर्ट तो खैर आपके पास मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड भी किया है, लेकिन यू नो जब आप मेकअप कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मेकअप को टाइम पर रिमूव नहीं करते हैं, उसको 8-10 आवर्स तक अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई रखते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैवी मेकअप एंड जो आजकल बीबी क्रीम्स आई हुई हैं उसके अंदर और हैवी मेकअप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो जब भी आप बेस का अप्लाई करते हैं या बेस चूज़ करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म पे रखते हैं, तो वो आपकी स्किन के ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आपकी स्किन के ऊपर एक परमानेंट पिगमेंट बना देती है। जी बोलिए। नहीं, मैं वही सोच रही थी क्योंकि मुझे कल हमारे एक और यहाँ पे स्पेशलिस्ट भी थी, वो बता रही थी कि जो सन ब्लॉक है उसको भी लगाने का एक टाइम होता है। ऐसा ऐसे ही सन ब्लॉक मतलब कि 3 घंटे के बाद आप फेस वॉश करने से? हर 2 घंटे के बाद, नो, नॉट नेसेसरीली आपको फेस वॉश करने की जरूरत नहीं होती। सन ब्लॉक को आपको हर 2 घंटे के बाद रिपीट करना होता है, मतलब उसी के ऊपर और लगाना होता है। जी बिल्कुल। आपको आप इनफैक्ट अब तो सन ब्लॉक्स ऐसे भी हैं जो कि जेल फॉर्म में होते हैं, और आप जब मेकअप वेयर किए हुए होते हैं तो सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन ये होता है कि यू नो हम मेकअप लगाए हुए तो उसके ऊपर हम सन ब्लॉक कैसे रिपीट करेंगे। सो जो जेल फॉर्म के सन ब्लॉक्स है वो आप मेकअप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मेकअप की लेयर डिस्टर्ब नहीं होती उससे। सेकेंडली कुछ मेल्स हजरात ऐसे हैं हमारे यहाँ, बल्कि काफ़ी सारे लोगों को, लड़कों को एक कंसर्न होता है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जाते हैं ऑफिस गोइंग है, तो हम सन ब्लॉक नहीं लगा सकते क्योंकि उसके बाद हमें स्वेटिंग हो जाती है या हमारा जो स्किन है वो क्रीमी या वाइटिश ना लगे। सो उसके लिए भी जेल फॉर्म के सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। सेकेंडली आपकी स्किन के अंदर सबसे बेसिक चीज क्या होती है, वो आपका फेस वॉश होता है। नो, इट शुड बी SPF 50 अबव। देखिए, अच्छा एक और मिसकंसेप्शन है कि जितना ज्यादा हम SPF यूज करेंगे, आई डोंट नो उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स होंगे। सो सनब्लॉक जो है वो कभी भी देसी टोटकों से नहीं बनता। यू नो सनब्लॉक के अंदर आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है जिंक ऑक्साइड और एक होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अगर ये दो चीजें इंग्रेडिएंट्स आपके सनब्लॉक के अंदर मौजूद हैं तो वो आपको 99% कवरेज दे सकता है। अगर ये दो चीजें सनब्लॉक्स में नहीं है तो ऑब्वियसली इट्स यूजलेस। दूसरा ये कि आजकल गर्मियां, यू नो आपको सीबम प्रोडक्शन लोगों को ज़्यादा होती है। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे एक और चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। हम मेकअप पे तो बहुत बात करते हैं लेकिन स्किन के रूटीन को जी काम, क्योंकि मेकअप जो बर्बाद कर देते हैं तो फिर हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट आ जाते हैं। उसकी बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि जो आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं ऐसे आप रेंडमली उठा के ओवर द काउंटर वाले फेस वॉशेज आप अपनी स्किन पर लगा लेते हैं, फिर वो ना आपका मेकअप रिमूव करेगा ना आपके डेली बेसिस पे जो पॉल्यूशन है, जो डेब्री, इनफैक्ट जो लोग किचन में काम करते हैं, जो खवातीन काम करती हैं, सो जो स्पाइस होता है ना वो उड़ के आपके वो स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। सो यू नो वो भी आपके स्किन के ऊपर पिगमेंट बना सकता है। इसी तरीके से आपके पोर्स खुलते हैं। सो फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अपना फेस वॉश सिलेक्ट करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, या आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करें, और हम बारहा बताती हूँ, मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि यू नो जो आपकी ऑयली स्किन होती है उसके लिए कुछ फॉर्मुलेशन डिजाइन की है। आज किसी मैंने डॉक्टर को सिर्फ बारहा वर्ड जो है वर्ड इस्तेमाल करके देखा है, अच्छा लगता है। उर्दू बोलते मुझे अच्छा लगता है। आई स्टार्टेड माई करियर तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी कि मैं जब बात कर रही होती तो प्योर उर्दू के माई हस्बैंड टीच्स मी सो वेल के ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हमारे जो बेस का इंतखाब करते हैं, हमें पीछे क्या पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कि जरूरी है ना कृपया देखें, क्योंकि लेड की भी इतनी बड़ी मिकदार उसमें होती है कि वो हमारी स्किन बर्बाद कर देती है, हमें पता नहीं होता। देखें, बेसिस से पहले आपको क्या चूज करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन के ऊपर एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना चाहिए। अभी मैं देख रही थी आप क्वेश्चन पूछ रही थी कि यू नो ऑयली स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज करें तो कैसे करें। सो मॉइस्चराइजर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ मॉइस्चराइजर्स ऑयली स्किन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं और कुछ जो है वो ड्राई स्किन के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। सो जो ड्राई स्किन के मॉइस्चराइजर्स होते हैं दे हैव हाई अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, और जो
नॉर्मल स्किन होती है यू नो उसमें आप वाटर बेस यूज कर सकते हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप होती है जो कि आजकल गर्मियों में आप लगा सकते हैं, दैट इज एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या यू नो वो आप अगर आप लगाते हैं तो वो एज ए प्राइमर भी काम करती है आपकी स्किन के ऊपर, फिर आपको वो उसको स्वेट नहीं करवाता आपकी स्किन, यानी कि मार्केट में मिल रही है एलोवेरा, ऑफ कोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है एलोवेरा मॉइस्चराइजर, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, आप वो मेकअप से पहले यूज नहीं कर सकते ना नेचुरल एलोवेरा को, आप रात सोने से पहले पार्टिकल्स निकलेंगे तो उसको क्या अच्छा टाइम है, क्योंकि तो बालों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तो लोग खा भी लेते हैं। हाँ लोग खा भी लेते हैं, मैंने एक बार भूषण सारी क्यापा की वीडियो देखी थी तो वो बताती है कि मैंने अपनी जो आई सेट है वो बेहतर की है एलोवेरा खा के आइस क्यूब की फॉर्म में ना, तो खैर वो हर बंदे का डिफरेंट भी होता है। देखिए अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं और डेफिनेटली हाँ, कुछ चीज़ें हाँ, जो हैं वो हम कुछ चीज़ों ऑब्वियसली हम ये नहीं कर सकते कि हर चीज़ उठा के लगा दें, बट एलोवेरा में ऐसा कोई नुकसान नहीं हाँ, है, आप उसको खा भी सकते हैं आप उसको लगा भी सकते हैं, सही मैंने हाँ, तो ऐसा भी देखा है कि लोगों ने बेसन भी मुँह पे लगा लिए हैं और गरम मसाले भी लगा रहे होते हैं, दिस इज उसके बाद तलने की कमी रह जाती है, पकौड़ा मुँह बन जाता है, वो बन भी जाता है एक्चुअली, वो सारा एक्ने निकल आता है, स्किन बर्न हो जाती है, सो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, सो यू शुड बी इनफ मैच्योर एंड अवेयर अबाउट इट कि आपने क्या खाना और क्या लगाना, और आपको जो आपके स्किन के वाले से डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको तो मैं सोचूं मुमताज भी आपको तो टेंशन नहीं है, वैसे बड़े प्यारे बगैर किसी मेकअप के बगैर कुछ टोटका वगैरह की भी आप कभी ख्याल रखते हैं, अब तो माशाल्लाह से आपको रखना भी चाहिए मेकअप, जाते हैं शूट से पहले लोग कहते हैं कि हल्की सी पफिंग हो जाए चेहरे पे, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बाकी से अभी इनकी स्किन कसम से लश्कारे मारी है। अच्छा मुझे ये बताएं मलाई भाई कि आपने हुमैरा चन्ना साहब अगले सॉन्ग लिखे, आपने सनम मारवी के लिए सॉन्ग लिखे, आपने हमारे इतने बड़े बड़े सिंगर्स के लिए सॉन्ग्स लिखे, आपका खुद कभी नहीं हुआ कि देखो मैं मेरे गाने जब इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स गाते हैं तो अल्लाह पाक उनको इतनी इज्जत मकाम देता है तो मैं खुद क्यों ना करूँ, आपने इतना लेट क्यों गाना शुरू किया? बस लेट की भी कोई वजह थी क्योंकि मेरा एक सिस्टम चल रहा था उस टाइम, फिर मेरे उस्ताद ने मुझे बोला तो आप खुद गाएं तो अच्छा है, जब मैं डमी बनाता था गाता था किसी के लिए तो उस्ताद ने बोला आप गाएं खुद गाएं अच्छा लगेगा, मैंने बोला मैं किससे गा सकूँ, उस्ताद ने बोला कर दो बिस्मिल्लाह, मैंने बोला जी बिस्मिल्लाह, फिर मैंने काम किया अपना। कितने प्यारे आप शागिर थे, लेकिन आप मुश्किल तो साथ में देखी होंगी दरमियान में, मुश्किल तो अभी तक है, मुश्किल ख़त्म तो हुई नहीं अभी तक, अब तो अभी तक क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तनकीद करते हैं, एक तनकीद होती है सलाह के लिए, वो नहीं वो ज्यादा तनकीद भी करते हैं, वो तो आपको पता है जब सोशल मीडिया पे आ जाए फिर लोग जो है ना तनकीद वैसे भी करते हैं क्योंकि लोगों का दिल कर रहा है, सिंध में सिंधी जब मेरे एल्बम आते थे सिंधी में गाता हूँ तो आपको पता ये नहीं हुआ मेरे ख्याल में उर्दू मीडिया को, तो सिंध में मुझे चाहने वाले बहुत हैं, आपको पूरे पाकिस्तान में दुनिया में चाहने वाले बहुत हैं, उर्दू गाने से पहले मेरे सिंधी मेरे जो प्यार करने वाले हैं आप तो इतने जुनून से मेरे से प्यार करते हैं, अभी भी बहुत प्यार करते हैं, आप वो भूल जाए, और अभी क्योंकि वक्त कम है बड़ा मुख्तसर, और जो आपके प्यार करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल सैड नहीं होना, ये खुश रहते हैं अच्छे लगते हैं, और जाते जाते प्लीज जरा गाना हो जाए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शादरी बादरी, और प्लीज आखिर में फिर हमें सुना दें, मैं कहती हूँ पल्ला मछली सुना दूँ दोबारा से, चले जी आंखों की पलकों में तुझको बिठाए दिल की बातें तुझको सुनाए आंखों की पलकों में तुझको बिठाए दिल की बातें तुझको सुनाए सामने आके बैठो जाना सुन लो दर्द हमारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे गाड़ी रियो निकालू पास में जाना तुझको बुलाऊं अपनी गाड़ी रियो निकाले साथ में जाना तुझको बिठा लूं मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे हम सिंधु में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे हम सिंधु में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे हम सिंधु में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे